हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बार बार किसी चीज को नहीं समझा सकते क्योंकि एक लिमिट होती है समझाने की, जो उस लिमिट के बाद आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो इंसान वो समझना ही नहीं चाहता है। तो आप किस हक से, किस तरीके से आप समझा रहे और क्यों समझा रहे? क्योंकि वो समझना नहीं चाहता है। आप किसी के साइड लो या ना लो, इंसानियत कोई चीज होती है। आप किसी के साइड हो या किसके साइड हो, इसे मैटर, ये चीज मैटर ही नहीं करते यार। ये चीज सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये चीज देखो किससे हो क्या रहा है, किसको इफेक्ट पड़ रहा है, किसको तकलीफ हो रही है और किसको नहीं तकलीफ हो रही है, कौन खुश है कौन नहीं है। इस चीज को हमें देखना होगा। इसे हमें खुद समझना से नहीं, हमेशा से आवाज को दबाई जा रही है। और आप कोई भी बोलने की कोशिश करें, किसी भी मुद्दे पे बात करें, जैसे कि अब हमारे यहाँ डॉग बोल रहे हैं, हम उसे मना नहीं कर सकते कि आप मत बोलो, मेरी वीडियो में आपकी आवाज जाएगी तो मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। मगर मैं उस डॉग को जाकर समझा नहीं सकती ना कि यार मत बोलो मेरी वॉइस में, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए फिर मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो जितना दिन चाहे बोल। बट उसकी अपनी मर्जी है। और वो क्यों डॉग बोले जा रहा है, क्यों, उसका रीजन हम नहीं जानते। ये वो सिर्फ जानता है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, इससे चीजें होंगी। तो फिलहाल हमें अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा साइड रखना चाहिए क्योंकि जो फैक्ट है वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते ना। अभी देखो नहीं, अभी शांति, अभी भी शांत नहीं। और मुझे लगता है कि सारी वीडियो उसके साथ ही स्टार्ट होकर खत्म भी होने वाली है क्योंकि वो अभी बंद हो चुकी है, शायद थोड़ी देर के लिए कुछ कह नहीं सकते। खैर फिलहाल ये बात की बात है, बट ये एक तरफ से पॉइंट है, समझने के लिए भी अच्छी टॉपिक आई थी। जो छोटे से पॉइंट से आप बहुत बड़ी चीज को समझ, मेरी इस चीज से कोई माइंड नहीं करेगी क्योंकि मैं किसी को किसी चीज से कंपेयर या किसी चीज से मैं कह नहीं रही हूँ। जो मेरे वीडियोज में बार बार डॉगी की वॉइस प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने सिर्फ एक बात रखी, एग्जांपल रखी कि कोई चीज आपको समझानी होती है नहीं समझाते तो आप किसी को कितना फोर्स कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी ये वो शांत हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, तो दैट्स रियलिटी। शांत हो जाओ, माहौल को थोड़ा ठंडा होने दो। और सबसे अच्छी बात है कि आप हार मान जाओ, क्योंकि जब आप हार मान जाते हो ना तो आपको लगता है कि आप हार गए हो, बट आप एक्चुअल में जीत जाते हो। क्योंकि इंसान आप वो टॉर्चर करता है, तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। बट जब आप खामोश हो जाते हैं ना तो आपकी खामोशी उसकी जीत की हार बन जाती है। क्योंकि आपको पता नहीं आपकी खामोशी कितनी पावरफुल है, कितनी ज्यादा पावरफुल। और इतने मासूमों की जान गई तो ऑफकोर्स उन मासूमों की जान कहीं ना कहीं तो पावरफुल होने वाली है। और इसका हिसाब हम सभी को देना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये लाइन सही है या नहीं। क्योंकि आपका एक वर्ड आई डोंट नो उसकी कितनी मीनिंग्स निकल सकती है और किस तरह से निकल सकती है और किस डायरेक्शन में जाके निकल सकती है, उसका मतलब क्या क्या हो सकता है। आप वो सोचे भी ना, आपके दिमाग में चीज आए भी ना, आप उस चीज को मतलब सोचने की कोशिश भी ना करें कि वो चीज आपके दिमाग में आए या फिर आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा तो बोला जाएगा। बट उस चीज के एक छोटे से वर्ड को ना जाने क्या ट्रांसलेट करके और ना जाने किस सेंटेंस में ले जाके बोल दिया जा सकता है। तो ये इंसान की सोच होती है जो इस तरह की चीजें कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ इतना सोचें कि आपको जो देख रहा है, आपको सही फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इंसानियत को डिसाइड रखते, कुछ नहीं, मासूमों की जान जाती है, इससे हमें खुशी मिलती है या तकलीफ होती है, फैसला हमारे हाथ में खुद है। क्योंकि अगर किसी मासूम की जान जाती है, मैं औरतों की बात नहीं करती, किसी की बात नहीं करती, सिर्फ मासूम बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था, जो बच्चा बेचारे ने भी नहीं लिया था, मैं लिटरली रो रही थी इस चीज के लिए, मुझे बुरा लग रहा था। क्योंकि जो बच्चा भी जन्म ही नहीं लिया और इस दुनिया में आते ही वो इस तरह से, इस तकलीफ से, मतलब इस ऐसे, वो जब कयामत के वक्त उठेगा, वो जब हमसे हिसाब मांगेगा, हम कहेंगे हम अपने कामों में बिजी थे, हम अपने बहुत सी जरूरत चीजें थी हम वो करना चाहते थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, वो सब हमसे जवाब मांगेंगे। ऑफकोर्स मुझे जितना नॉलेज है चीजों की कि सारी चीजों के जवाब मांगी जाएगी तो हम जवाब नहीं देते। ये पहली जीत या आखिरी जीत तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक कदम रखा जा रहा है। और अगर कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है, और ऑब्वियसली कौन जीत रहा है कौन हार है सब जानते हैं, और कौन जीत सकता है कौन हार सकता है ये सभी को पता है। और मुझे लगता है कि जो हार रहा है उसे हार जाना चाहिए हर तरह से।
ये कहना आसान है, आई नो तकलीफ होती है, मैं समझ सकती हूँ बात को, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जीतने के लिए अपनी जान दें। आप हार सकते हैं, आप हार कर कहीं भी चले जाएं, बट चले जाएं। जान गवाएंगे तो जाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपकी चॉइस है। आप उस जंग में अपनी जान गवाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी जीत ही होगी, आपकी हार होने के बावजूद भी आप जीत जाएंगे। बट अगर आप हार जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी सिर्फ चाइना को। आप चाइना को देखें, वो कुछ नहीं था बट आज बहुत पावरफुल है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि चाइना ने किस तरह से अपने स्मार्टनेस से चीजों को किस तरह से चीजें की। आप उन्हें कॉपी करें, और मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जाम्पल चाइना है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, और मुझे लगता है कि वो लोग जो चीज करते हैं वो कर दिखाते हैं। उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। वो एक एग्जाम्पल है हम इंसानों के लिए कि एक इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने जिस तरह से चीजों को किया, मुझे लगता है उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं डिटेल में बात करूँ। आप लोगों को चाइना में मारी है, वो चाइना मैंने चाइना, तो प्लीज जितने स्मार्टनेस चाइना के पास है ना किसी के पास नहीं है। तो अगर आपको कॉपी करना है तो हो सकता है मैं शायद गलत भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सही हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सही नहीं होती, मैं हो सकती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है, अपनी समझ होती है। और जहां तक मुझे समझ आई, मुझे लगा चाइना बेस्ट है। और आपको लगता है कि आप चाइना को मेड इन चाइना से आप कंपेयर करेंगे कि ये चीज माल खराब होता है, माल तो हर कोई खराब होता है, एक वक्त तक ही सब कुछ अच्छा रहता है, उसके बाद तो सब खराब हो जाता है यार, किसकी गारंटी लेते हो आप। एग्जाम्पल में आपके पास जो चीज है आप उसी से देखें, जरूरत हुई यदि वो हर चीज चाइना की ही होगी, नहीं ना, फिर भी वक्त के बाद एक वक्त बाद आपको लफा दफा करना पड़ता है ना, तो आप इस चीज को चाइना से कंपेयर क्यों कर सकते हैं, स्मार्टनेस से कंपेयर। हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम उस चीज को भूल जाते हैं या फिर हम उस चीज को छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारा ख्वाब हो या चाहे हमारी कोई चीज हो जो हमें चाहिए होती। पर जब हमारी बात नहीं मानी जाती इतनी जिद के बाद, मनाने के बाद, तो ऑफकोर्स हम अपनी जिद छोड़ देते हैं। आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है, आप सारी चीजें समझ रहे हैं, आपको पता है चीजें क्या हो रही है, बट आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीजें हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके सोच हो या फिर जो भी आपकी प्लानिंग हो, चीज पे आपको लगता है हाथ नहीं डालना चाहिए, अच्छी बात है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हर किसी को एक्सेप्ट। अभी वहां पे है, फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पे आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट है यार, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ सब चीज, ये एक जगह पे खत्म नहीं होगा, वहां से नहीं, और भी बहुत से स्टार्ट हुआ है, तो खत्म तो भी नहीं होगी, खत्म तो पता नहीं कब होगी, कैसे होगा तो मैं भी नहीं जानती, और मुझे लगता भी नहीं कि इस बारे में मुझे भी आइडिया होगा क्या हो सकता है। बट जो भी है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज यही जीतने के बाद सब खत्म हो जाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, कोई भी इंसान जब किसी का सच्चे दिल से नहीं होता तो किसी का नहीं हो सकता है, जब वो आपको हर्ट कर सकता है तो किसी और को भी हर्ट कर सकता है। और तकलीफ देना, जब स्टार्टिंग में जब कोई किसी को पहली बार तकलीफ देता है या धोखा देता है या किस तरह से उसे रुलाता है और उसे कोई समझाता नहीं कि तुमने गलत किया है, तुमने उस इंसान को बहुत रुलाया है और तुम्हें रुलाने की सजा भी नहीं मिलती, तो उसे लगता है कि वो हर किसी को रुला सकता है, हर किसी को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि उसे बोलने वाला कोई नहीं, उसे रोकने वाला कोई नहीं, उसे समझाने वाला कोई नहीं, और जो कर रहा है सही कर रहा है और वो करता जाएगा। तो खैर ये एग्जांपल था चीजों को समझने के लिए। आई होप कि मेरे वीडियो से आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती हूँ, और क्योंकि मैं डायरेक्ट सारी चीजों को नहीं बोल सकती अपने वीडियोज में, और अपने वीडियो में मैं वो बहुत सारे वर्ड्स यूज नहीं कर सकती अपने वीडियो में, और बहुत कुछ नहीं बोल सकती, वो रूल्स के खिलाफ होता है, ये एक अलग मसला है। और ये अच्छा भी एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और गलत लोग बहुत सी चीजें के लिए गलत चीजें बोल जाते हैं, और जो नहीं बोलना भी होता है, नहीं बोलना चाहिए इंसान को, वो बोल जाते। मुझे तो इस वीडियो को बनाते हुए बहुत सोच में था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं भी या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो ऐसे बनाए थे इस, पर मुझे वो चीजें नहीं सही नहीं लगी कि मुझे बनाकर अपलोड, कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि उम्मीद का कोई यहाँ, ये उम्मीद की बात ही नहीं, यहाँ पे जो है अगर आप साथ दे सकती हो तो दो, क्योंकि उम्मीद
तो शायद अब उन्हें भी किसी से नहीं होगी। खैर इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ भी बात करने के लिए है। मुझे समझाना था, मुझे बस इस टॉपिक पर बात करनी थी, जैसे भी मुझे बात करनी थी थोड़ी बहुत। ना मैं सोचती थी ना ट्रेंडिंग वीडियो कहाँ से लाऊंगी मैं। होता है कि आप जब स्टार्टिंग पे हो तो आप ट्रेंडिंग वीडियो बहुत बनाओ, वायरल होगी। बट मैं सोचती थी कि ट्रेंडिंग वीडियो मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो कोई ट्रेंडिंग वीडियो मिलेगी नहीं, क्योंकि जरूरी है आप जब स्टार्ट करो तो ही ट्रेंडिंग में सारे वीडियोज आए, नहीं ऐसा नहीं। बट मैं जब से आई हूँ इतने सारे न्यूज आ रहे हैं, इतने सारे न्यूज कि मैं उन सबको कवर नहीं कर सकती यार। कुछ चीजों को मैं बोल नहीं पा रही, मैं बोल नहीं सकती। वो टॉपिक में बात करना बहुत वियर्ड है, नहीं कर सकते यार। और मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब चीजें बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती सब चीजें। बहुत चीजें हैं जो आपको वर्ड में यूज कर, जब आप कोई चीज समझाओ और जब कोई चीज आप बोलो तो अच्छे से चीजों को बोलो, अच्छे से समझाओ, ताकि सामने वाला वो चीज समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो और किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हो। तो सारी चीजों को बोलनी होती है। तो बहुत सारे वीडियोज मैंने इसीलिए हटा दिया यार, मैं नहीं बोल सकती सारी चीजें। बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जो कवर ही नहीं कर सकती उस चीज को, वीडियो को, और मैं बोलूँ उस वीडियो को, नहीं यार नहीं बोल सकती उस बारे में। जो बोल सकता है सिर्फ वही बोले। इसलिए मुझे लगता है कि इस ट्रेंडिंग वीडियो के पीछे नहीं भागना चाहिए आपको। जिस टॉपिक में वीडियो बना रही, आप जो वीडियो बना रही, आप वो वीडियो बनाओ। जो बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ नहीं हो कोई बात नहीं, बस किस चीज के पीछे भागो नहीं। और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में तो बिल्कुल नहीं, और न्यूज के पीछे तो बिल्कुल भागो नहीं। खैर ये थी आज के टॉपिक, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।